आपका कहना सही है, काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने ये एल्बम बनाया है, जसवंत सिंह जी ने और मैंने, और इसमें बहुत खूबसूरत गज़लें हैं, मीनिंगफुल लिरिक्स हैं, वेरी नाइस मेलोडियस म्यूज़िक है, और इसे हमने लाफिंग कलर्स के लिए बनाया हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। पहला गाना, पहली गज़ल हमने अभी जस्ट फिल्माया भी है, और इस गज़ल इज़ आपसे प्यार हो गया है मुझे, तो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, और आप सुनिए और मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैम ये जानना चाहूँ कि आज के दौर में एल्बम जो है फिर से कमबैक कर रहे हैं, खासकर डिजिटल मीडियम पे बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे एल्बम आते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के, क्या कहना चाहेंगे कि कितने ज़्यादा आप देखती हैं या फॉलो करती हैं, क्या कहना चाहेंगे कितने ज़्यादा सेंसिबल है या कितना ज़्यादा कैरियर में सपोर्ट करता है सर? ऐसा है कि मतलब जैसे पहले लोगों को कंपनीज के पास यू नो दे हैड टू रन टू कंपनीज, तो अभी वैसा नहीं हुआ है। आजकल कोई भी इंडिविजुअली गाना गा करके खुद पे पिक्चराइज करके अपना चैनल खोल करके वो पोस्ट कर सकता है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग देखने जाए तो इट्स अ नाइस थिंग। बाकी तो मतलब हर एक चीज़ में प्लस माइनसेस तो अपने अपने होते ही हैं, बट लुकिंग एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, मुझे लगता है कि जो जानने वाले हैं और जो अच्छे हाउसेस हैं जो डिजिटल मीडिया को एक्सप्लॉइट अच्छे से करते हैं, तो इफ़ यू जॉइन देम आई थिंक द स्काई इज़ द लिमिट। और मैम जैसे कि मालूम कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो म्यूजिक पार्ट या सिंगर्स का या लिरिक्स राइटर का काफ़ी पार्ट रहता है, तो हाल ही में जावेद अख्तर जी ने जो किया है कि रॉयल्टी को लेकर उन्होंने जो रॉयल्टी दिलवाई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये? ज़रूरी तो है ना, मतलब कैसे ही टुक द इनिशिएटिव, इस वजह से ये हो पाया है। बाकी तो जनरली कंपनीज़ का ये होता है कि नहीं आप यहाँ नहीं गाएंगे वहाँ नहीं गाएंगे, जो मर्जी जो मन में आया तो दे दिया, एंड देन फिर आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर। बिकॉज हम लोग जब एज अ आर्टिस्ट मैं बात कर रही हूँ, जब हम लोग किसी गाने को गाते हैं यू नो, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट तभी आ सकती है जब भी आप उस गाने को अपना समझो, और अगर कहीं पे यू नो हियर एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट मनी, ओके, जैसे मतलब एज आई सी इट कंपनीज सीम टू लुक एट इट कि अच्छा वो पैसा कितना कमा रहे, इट्स नॉट अबाउट दैट। आज अगर मान लीजिए कि अमीन सयानी जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं एंड ही विल से कि वो गाना तुमने गाया था तो वो ज़रा गा के सुनाओ, तो मेरा मन होता है कि मैं उसे गाऊँ, और देन आई से कि उन्हें इसे बजाइए ना, ओके, तो उसमें पैसा ये फोकल नहीं होता है, इट इज़ अन आर्टिस्ट इंटरव्यू और दिस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। तो कोई थोड़ा सा चला के कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वो करोड़ों कमाने वाले, तो ऐसे वक्त पे मुझे दुख होता है यू नो कि नहीं आप ये नहीं चला सकते तो वो नहीं चला सकते, तो ऐसे नहीं होता ना कि हाँ अगर आप कहीं पे यू नो यू आर सेलिंग द सॉन्ग कैसेट बना के भेजे तो वो गलत है, बट इस पे रोक लगाना कि आप इधर गा नहीं सकते ना उधर सुना नहीं सकते, आई डोंट थिंक दैट इज़ इट्स वेरी अनफेयर। तो उससे क्या होता है कि फिर अपनापन वाली भावना निकल जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में देखते हैं जो फिल्मी गाने आते हैं लिरिक्स में उस तरह का मतलब डेप्थ नहीं होता है, उस तरह का जो पहले के ज़माने की बात करें 90s में जब आप गा रही थी अपने पीक पे थी, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना हॉलो हो गया है म्यूज़िक इंडस्ट्री? एक तो दिस इज़ मतलब आजकल तो इट्स मोर अबाउट बीइंग सीन, एंड जो टेक्निकली साउंड है या कैसे डिजिटली जो यू नो पीपल आर टेक सैवी जो है, तो टुडे इट्स देयर डे। एक टाइम था कंपोजर्स, एक दौर आता है हमेशा, जैसे कोई कंपोजर्स का दौर था, लिरिसिस्ट का दौर था, फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स के बाद फिर सिंगर्स का दौर आया, उसके बाद फिर जैसे अरेंजमेंट्स का आया, तो ऐसे ऐसे दौर आते हैं। तो जो मतलब आजकल जो उसका इस्तेमाल जो अच्छा कर सकता है यू नो आज उनका दौर है। तो मुझे व्हाट आई फील व्हाट आई सी ऑब्जेक्टिवली कि जैसे हम लोग हैं तो वी आर नॉट टेक्नो सेवी, तो
बट अगर इस चीज़ को अगर जैसे हम जैसे लोग अगर डिजिटली जो साउंड है जो टेक्नो सेवी है उनके साथ मिल करके उसको करें तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट.